जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा लेने के लिए आपको चाहिए यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर एंड एडमिशन लेटर के लिए जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं आज की वीडियो में हम उन्हें डिस्कस करेंगे आज की वीडियो सारे दोस्तों के लिए जो जर्मनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं नो no मैटर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करें आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें या फिर आप पी के लिए वहाँ पर जाना चाह रहे हैं आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा हर लेवल के स्टूडेंट्स को एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है तो दैट्स वाई आज की वीडियो विल बी वेरी मच यूजफुल फॉर यू गाइस तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अल्लाह दोस्तों आई होप यू डूइंग वेल आई एम खालिद मनोवर एंड मैक्सर आप दोस्तों के लिए फॉरेन एजुकेशन पे वीडियोस बनाता रहता हूँ आज भी मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप दोस्तों के लिए लेकर आया हूँ एंड आज की वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि किसी भी स्टेज पर आपको जर्मनी में एडमिशन uh, हासिल करने के लिए चाहिए हो रहे होंगे एंड uh, ये इनिशियली यूनिवर्सिटी रिक्वायर कर रही होती है हम उन डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एम्बेसी डॉक्यूमेंट्स तो ऑब्वियसली एम्बेसी में आपको ब्लॉक अकाउंट भी चाहिए होता है आपको और दस किस्म की चीज़ें चाहिए होती हैं आपको अपनी ट्रेवल इंश्योरेंस चाहिए होती है उनकी बात मैं इससे पहले कई सारी वीडियोस में कर चुका हूँ सो so आज की वीडियो में वी विल बी जस्ट टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट्स तो गाइस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स में जो सबसे टॉप पे चीज़ आती है दैट इज़ योर प्रीवियस एकेडमिक रेकर्ड अब प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड आपकी जो पिछली डिग्रीज हैं उनकी ट्रांसक्रिप्ट एंड मार्कशीट्स डिग्रीज जो भी है वो उनको चाहिए हो रहा होता है फॉर एग्जांपल अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको चाहिए हो रहा होगा मास्टर्स की डिग्री एंड मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट आपको बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री भी चाहिए हो रही होगी बिसाइड दिस आपको आपका एफएससी प्लस uh, मैट्रिक या फिर आपका ओ लेवल्स लेवल्स इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी आपको प्रोवाइड करने पड़ रहे होंगे टू योर यूनिवर्सिटी उसके बाद जो दोस्त वहां पे मास्टर्स के लिए अप्लाई करने के लिए आ, जाना चाह रहे हैं उनको उनके बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री दिस उनका एफएससी एंड मैट्रिक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके जो सनदें हैं सर्टिफिकेट्स हैं वो प्रोवाइड करने पड़ रहे होंगे अगर आपने ओ लेवल्स ए लेवल्स किया हुआ है तो अगेन आप इनके सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर रहे होंगे टू जर्मन यूनिवर्सिटी बिसाइड दिस जो दोस्त बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको चाहिए हो रहे होंगे उनके मैट्रिक की मार्कशीट उनकी मैट्रिक की डिग्री या जिसे हम सिंपल वर्ड्स में सर्टिफिकेट कहते हैं उनके एफएससी की डिग्री प्लस मार्कशीट या अगर उन्होंने ओ लेवल्स लेवल्स ए किया हुआ है तो उनके डॉक्यूमेंट्स उनको प्रेजेंट करने पड़ रहे होंगे टू यूनिवर्सिटी अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है अक्सर दोस्तों के माइंड में होता है अक्सर कमेंट सेक्शन में भी देखने को मिलता है कि वो लोग क्या करें जिनकी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि मास्टर्स के फोर्थ सेमेस्टर में दूसरे साल के एंडिंग फेज में लगा हुआ है एंड वो पी के लिए अप्लाई करना चाह रहा है या फिर वो बैचलर्स की आ, एट सेमेस्टर में है एंड वो आगे मास्टर्स के लिए वहां पे अप्लाई करना चाह रहा है या फिर वो सेकंड ईयर का स्टूडेंट है या ए लेवल्स का स्टूडेंट है एंड वो वहां पे बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहा है एंड उनकी अभी तक करंट डिग्री कंप्लीट नहीं हुई तो वो दोस्त क्या करें क्या उन्हें वेट करना चाहिए कि उनकी डिग्री कंप्लीट हो एंड उसके बाद उनको डॉक्यूमेंट्स मिले तो गाइस आपको वेट हरगेज नहीं करना चाहिए बिकॉज यू कैन जस्ट अप्लाई विद प्रोविजनल सर्टिफिकेट ये बेसिकली एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें यूनिवर्सिटी या आपका जो भी इंस्टीट्यूट है आ, वो ये यूनिवर्सिटी को कंफर्मेशन देता है कि नेक्स्ट ईयर ये जो कैंडिडेट है ये इस एक्स वाई जी कोर्स में इनरोल है या इस एक्स वाई जी डिग्री में इनरोल है ये अपना कोर्स क्लियर कर लेगा तो इट्स सॉर्ट ऑफ गारंटी एंड एक तरह से आप इसको अपनी टेम्परे डिग्री भी कंसीडर कर सकते हैं तो इसके बिहाफ पे आप अप्लाई करके एडमिशन हाल हासिल कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेकिन ये आपका एम्बेसी में इंप्लीमेंट नहीं होगा एम्बेसी के लिए आपको ओरिजिनल डिग्री एंड ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट की ही जरूरत पड़ रही होगी यूनिवर्सिटी के लेवल पर आपको ये डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही होती तो यू कैन गो विदाउट अटेस्टेशन आप एडमिशन uh, हासिल कर सकते हैं लेकिन एम्बेसी स्टेज पे जब आप वीजा इंटरव्यू के लिए अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे होंगे वहां पे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे होंगे तो उस स्टेज पे आपकी अटेस्टेशन होनी चाहिए अब अटेस्टेशन किससे करानी है फर्स्ट ऑफ ऑल जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं uh, उनको अटेस्टेशन अपनी करवानी पड़ रही होती है जो uh, अपनी डिग्रीज हैं प्रोफेशनल डिग्रीज लाइक आपकी बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री आपकी मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री वो आपको एच से आ, अटेस्ट करवानी पड़ रही होती है उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवानी पड़ रही होती है बिसाइड दिस जो आपकी आ, पुरानी डिग्रीज होगी गई जो अर्ली स्टेज की थी दैट वाज मैट्रिक एंड एफ वो आपको आपका जो भी रिस्पेक्टिव बोर्ड था उससे अटेस्ट करानी पड़ रही होती है आई से एंड देन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरन अफेयर्स से आपको अटेस्टेशन अपनी करवानी पड़ रही होती है तो ये एकेडमिक रिकॉर्ड के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन थी उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारी लिस्ट पे आता है दैट इज़ के आपको लेटर्स ऑफ की ज़रूरत पड़ रही होती है अब जर्मनी के केस में आपको दो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन स्पेशली आपको रिक्वायरमेंट हो रही होती है आप अगर वहां पे मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर पी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके दो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होने चाहिए आई वुड सजेस्ट यू के अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो आप अपना एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपने एम्प्लॉयर की तरफ से बनवाएं जो दूसरा आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो आप अपनी यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रोफेसर से बनवा लें दैट वुड बी ग्रेट लेकिन अगर आप फ्रेशली ग्रेजुएट हुए हैं आपकी अभी कहीं पर जॉब या कहीं पर प्लेसमेंट नहीं हुई तो अगेन आप अपने दोनों रिकमेंडेशन लेटर्स अपनी यूनिवर्सिटी से अपने प्रोफेसर से बनवा सकते हैं उनके पास फॉर्मेट होता है नॉर्मली क्योंकि हर साल हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं बाहर तो उनके पास वो फॉर्मेट पड़ा होता है उसमें जस्ट ओनली वो आपका नाम आपकी डिटेल्स डालेंगे एंड आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे देंगे लेकिन अगर नहीं भी होता उनके पास इन केस तो आप अपना एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनवा कर जाकर उनसे साइन करवा सकते हैं इंटरनेट पर आपको हज़ारों में ये इसके पैटर्न्स मिल जाएंगे तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं आफ्टर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो थर्ड चीज है जो थर्ड डॉक्यूमेंट है जो आपसे जर्मन यूनिवर्सिटीज रिक्वायर कर रही होती है दैट इज लेटर ऑफ मोटिवेशन या मोटिवेशनल लेटर आप बेसिकली मोटिवेशनल लेटर एक ऐसा लेटर होता है जिसमें आप अपनी इंटेंशंस बताते हैं टू यूनिवर्सिटी के आपका इस स्पेसिफिक सिटी को आपने क्यों चूज किया जिस सिटी में आप जा रहे हैं फॉर uh, एग्जांपल अगर आप बर्लिन जा रहे हैं तो आपने बर्लिन को क्यों चूज किया इस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की को चूज करने के पीछे आपकी रीजन क्या थी और जो स्पेसिफिक कोर्स आपने सेलेक्ट किया है उसको पढ़ने के पीछे आपकी क्या इंटेंशन है एंड आफ्टर डिग्री आपके क्या प्लान्स हैं कि आप वहां पे सेटल होंगे आप वापस आ जाएंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपको बेसिकली ये एक शॉर्ट सी समरी उनको प्रोवाइड करनी पड़ रही होती है यहां पर Uh, जो नोट करने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज के आपने अपने मोटिवेशनल लेटर में हरगेज उन्हें ये शो नहीं कराना कि आपके प्लान यहाँ पे सेटल होने के हैं दिस एंड दैट आपने उनको यही बताना है कि आफ्टर योर डिग्री आप वापस अपने जो भी आपका होमलैंड कंट्री है उसमें वापस आ जाएंगे एंड आप फर्दर वहाँ पे सर्व कर रहे होंगे अगर आई एम श्योर जो भी स्टूडेंट बाहर जा रहा होता है वो कभी वापस आने के प्लान से नहीं जाता आप सारे वहीं पर सेटल हो रहे होंगे इन तो लेकिन आपने अपने मोटिवेशनल लेटर में ये चीज़ उनको मैंशन नहीं करके देनी अदरवाइज इसकी वजह से आपकी एडमिशन में प्रॉब्लम्स आ, आ सकती हैं का इज आफ्टर मोटिवेशनल लेटर यूनिवर्सिटी आपसे आपकी आइडेंटिटी मांग रही होती है ऑब्वियसली एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आपकी जो आइडेंटिटी है दैट इज योर पासपोर्ट वो स्टूडेंट्स जिनके पासपोर्ट एक्सपायर हो चुके हैं वो अपने पासपोर्ट्स टाइमली रीन्यू करा लें एंड uh, वो दोस्त जिनके uh, पासपोर्ट्स अभी तक बने ही नहीं हैं वो अपने पासपोर्ट्स uh, टाइमली बनवा लें बिकॉज एट बेसिक लेवल uh, जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होंगे नॉर्मली uh, स्टूडेंट्स को अक्सर अप्लाई करने से के हवाले से भी कंफ्यूजन होती है मैं आपको बताता चलूँ सॉरी हम टॉपिक से थोड़ा सा हट रहे हैं मैंने अभी प्रीवियस uh, जो मेरी वीडियो थी वो जर्मनी में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट uh, कोर्सेज में उसके हवाले से थे तो अगर आप को कन्फ्यूजन है तो आप ये यहाँ पे थंबनेल आपको शो हो रहा होगा इसको सर्च आउट करके मेरे चैनल पे आप इसको देख सकते हैं एंड फायदा उठा सकते हैं इससे नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक गाइस अगर आपकी आइडेंटिटी नहीं बनी हुई आपका पासपोर्ट नहीं बना हुआ तो टाइमली अपना पासपोर्ट बनवा लें बिकॉज ये आपसे यूनिवर्सिटी स्टार्ट में मांग रही होगी एंड पासपोर्ट चूंकि टाइम लेता है बनने में तो अगेन ये थोड़ा सा आपके केस को डिले कर सकती है तो इसको टाइमली आपने देखना है आफ्टर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपके पास आ, एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है जो आपको बनाना पड़ता है दैट इज योर सीवी सीवी डिज़ाइन करने के लिए मैं मल्टीपल वीडियोस में मेंशन कर चुका हूँ कि कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिसका आप यूज कर सकते हैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रही होगी यूरोपास इस वेबसाइट का आप यूज कर सकते हैं एक प्रोफेशनल यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली अपनी सी डिज़ाइन करने के लिए ये बहुत सिंपल है एंड इट्स फ्री टू यूज इसमें जस्ट ऑनली जाके अपनी डिटेल्स डालें आ, जो जो आपने किया हुआ है जो जो आपकी डिग्रीज हैं किसी प्रोजेक्ट का पार्ट रहे हैं आप मेंशन करें कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं आप मेंशन करें लैंग्वेजेस वगैरह आपको आती हैं आप उसमें मेंशन करें कोई अवार्ड्स वगैरह मिले हुए हैं उसका मेंशन करें कोई सेमिनार्स आपने अटेंड किए हुए हैं उसका मेंशन करें कोई एक्सपीरियंस है आपका उसका मेंशन करें ये सारी चीज़ें आप वहां पे स्टेप बाय स्टेप डाल देंगे एंड आफ्टर दैट जब एक मरतब आपने चीजें डाल ली उसके बाद आपको ये एक फॉर्मेट जनरेट कर देगा डिजाइन आप अपना चार पांच उधर अवेलेबल होते हैं उसमें से कोई भी चूज कर लें एंड उसके अकॉर्डिंगली डाउनलोड कर लें अपनी सी वी एंड फर्दर यूनिवर्सिटी को सबमिट करवा लें तो अगेन सी वी चूंकि आप वहां पर प्रैक्टिकली नहीं होते तो सी वी आपको रिप्रेजेंट कर रही होती है सी वी को जितना आप अट्रैक्टिव कर सकें उतना करें इसको इस पर उतनी ही ज्यादा मेहनत करें गाइज आफ्टर सी एक इंपॉर्टेंट चीज एंड मोस्टली स्टूडेंट्स का सर दर्द दैट इज के यहां पे आपको लैंग्वेज प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट चाहिए हो रहा होता है अब ये डिपेंड करता है फॉर एग्जाम्पल आप अगर किसी जर्मन टॉट प्रोग्राम का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो आ, आपको ऑब्वियसली जर्मन आनी चाहिए आपको एटलीस्ट वो जो आपसे रिक्वायर करते हैं या बी टू या सी वन लेवल का आपसे जर्मन प्रोफेशनसी सर्टिफिकेट वो लोग रिक्वायर करते हैं एंड आपको ये वहाँ पे देना पड़ता है अगर आपका कोर्स जो है वो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है इंग्लिश लैंग्वेज में आप वहाँ पर जाके पढ़ेंगे तो इसके लिए अगेन वो आपसे आइल्स रिक्वायर कर रहे होते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है सिक्स कुछ की सेवन होती है कुछ आपसे रिक्वायर ही नहीं करती आपको एडमिशन दे देती है ऑन द बिहाफ ऑफ इंग्लिश प्रोफेशनसी सर्टिफिकेट इंग्लिश प्रोफेसेंसी सर्टिफिकेट बेसिकली आपको मिल जाता है अपनी यूनिवर्सिटी से या जो भी आपका लास्ट इंस्टीट्यूट था बेसिकली इस लेटर में आपका जो लास्ट इंस्टीट्यूट होता है वो ये बताता है कि इस जो ये लड़का या लड़की इसने हमारे पास ये कोर्स अटेंड किया था इसके कोर्स के दौरान जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो इंग्लिश में था एंड उसके अलावा ही और शी कैन रीड राइट एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश वेल लेकिन स्टिल यूनिवर्सिटीज आपको एडमिशन दे देती है लेकिन मोस्टली जो एम्पेसी है वो आपसे आइल्स एट लास्ट स्टेज रिक्वायर कर लेती हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप टाइमली आइल्स को करें एंड एटलीस्ट इसमें 6.5 पॉइंट फाइव बैंड्स लें ताकि आप हर तरह की यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट को मीट कर सकें उनके उस अगर उनकी आइल्स के हवाले से कोई रिक्वायरमेंट है तो उसको आप फुलफिल कर सकें बिसाइड दिस आपको मैंने जो पहली वीडियो मेंशन की थी अगेन आपको यहाँ पे शो हो रही होगी अगर आपने इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स ढूंढने हैं जर्मनी में तो इस वीडियो का आप यूज़ कर सकते हैं इसमें मैं एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बता रहा हूँ जिसमें मोर देन एट हंड्रेड मोर दैन ट्वेंटी एट हंड्रेड इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स जो जर्मनी में अवेलेबल हैं वो यहाँ पर लिस्टेड है औन, एंड उनमें आप ख़ुद को इनरोल करा सकते हैं तो गाइस आइल्स uh, आप लाजमी दें जर्मनी में एम्बेसी आपसे रिक्वायर करी होगी मैं बार बार रिपीट करूँगी यूनिवर्सिटी की कभी कभार रिक्वायरमेंट नहीं होती वो आपको इंग्लिश प्रोफेशनसी सर्टिफिकेट पर भी एडमिशन दे देगी लेकिन कभी कभार uh, एम्बेसी इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट नहीं एक्सेप्ट uh, कर रही होती सो यस गाइस, दिस वॉज ऑल फॉर टूडे आज की वीडियो में मैंने जस्ट एक क्विक वे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डिलीवर करनी थी आई होप आपको पसंद आई है अगर आपको पसंद आई है तो मेक श्योर sure करें कि आप इस वीडियो को लाइक करें इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ फर्दर फ्यूचर में मैं uh, लाऊँ वो आपको टाइमली मिल सके So yes, take good care of yourself, and I will see you guys in some next video. Till that, Allah Hafiz.